कांग्रेस ने राजस्थान के तीन नेताओं को राष्ट्र सचिव बनाया है। जिस तरह से ये नाम सामने आए हैं, ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि अब राजस्थान में पायलट युग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। केंद्र के कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व ने भी अब सचिन पायलट पर विश्वास जताना शुरू कर दिया है। दरअसल ये नाम ओडिशा से पूर्व विधायक दिव्या मदेना, दानिश अब्रार और धीरज गुर्जर है, जिन्हें अब राष्ट्र सचिव बनाया गया है। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए दी। इसके साथ ही कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इनको बधाई दी है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने भी इनको बधाई दी है। दिव्या मदेना की बात करें तो उन्हें राष्ट्र सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही दानिश अब्रार की बात करें तो उन्हें दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। दिव्या मदेना जो कि 2018 में विधायक रह चुकी है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे पहले उनकी माता लीला मदेना ने 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है, उनके दादा भी विधायक थे, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं और अब वे भी विधायक रह चुकी है। हालांकि 2023 में उन्होंने बहुत कम मार्जिन से ही हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 2 से 3 हजार वोटों से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका राजनीतिक कद बड़ा है। अब जिस तरह से उन्हें राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया है, कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब दिव्या मदेना के दादा की बात करें तो परशुराम मदेना का एक दौर हुआ करता था, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब परशुराम मदेना के नाम भी मुख्यमंत्री के दौर में शामिल था। अब जब दिव्या मदेना ने राष्ट्र सचिव बनने पे फोटो साझा किया है, राहुल गांधी है उसमें, इसके साथ ही प्रियंका गांधी है और सोनिया गांधी है, बीच में खड़ी है दिव्या मदेना। उनके साथ में उन्होंने एक मैसेज भी साझा किया है। इस मैसेज में उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई जिक्र इस पूरे मैसेज में नहीं किया है। इसके साथ ही दानिश अब्रार को राष्ट्र सचिव बनाया गया है, दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। दानिश अब्रार वही विधायक है जो जब सचिन पायलट नाराज होकर मानेसर चले गए थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में बाड़ेबंदी की थी, तब दानिश अब्रार सचिन पायलट के साथ हुआ करते थे। उनके साथ वे भी मानेसर गए थे, लेकिन बीच रास्ते में सचिन पायलट को छोड़ दिया था। इसके बाद में वे वापस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास लौट गए थे। इसके बाद में पायलट के समर्थकों ने उनके खिलाफ कई नारे भी लगाए थे और अब वे इस नारे को लेकर माफी मांगते हुए भी नजर आए। हाल ही में उन्होंने पायलट के समर्थन में बयान देते हुए यह भी कहा था कि जिन्होंने पायलट का समर्थन किया वे विधायक है, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। अब जब वे फिर से पायलट के हिमे में आ चुके हैं तो उन्हें अब फल भी मिल चुका है और वे राष्ट्र सचिव के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। जिस तरह से नए नेताओं को अब संगठन में अच्छा पद मिला है, क्या नए नेता अब राजस्थान की राजनीति में उभरने वाले हैं? सचिन पायलट अब अपनी टीम को मजबूत करने में लगे हैं और इनको जिस तरह से सचिव बनाया गया है, अब आगे राजनीति में क्या कुछ होता है वह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।